हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो है पाकिस्तान में अलग सिंधु देश की मांग तेज, प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मदद मांगी गई। ओह, मुझे कोई आइडिया नहीं इसका, तो वीडियो देखते हो और पता करते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उस नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो के साथ पयोधी शशि। बड़ी खबर, पाकिस्तान में अलग सिंधु देश की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जामशोरों में ये प्रदर्शन हुआ है और पीएम मोदी के भी पोस्टर्स लहराए गए। दुनिया भर के नेताओं से मदद मांगी गई है इस प्रदर्शन में। सिंधु देश के लिए दुनिया से समर्थन मांगा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुतिन की तस्वीर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दुनिया भर के जो बड़े लीडर्स हैं उन सबके पोस्टर्स लेकर सिंधु देश की मांग करते हुए ये प्रदर्शनकारी इस वक्त आप ये तस्वीरें जी न्यूज पर देख रहे हैं। हालांकि कैसे सिंधु देश की मांग लगातार तेज होती जा रही है और अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने तमाम बड़े लीडर्स के पोस्टर्स लेकर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर भी है, सड़कों पर उतरे हैं। और कैसे सिंध प्रांत के जामशोरों में ये प्रदर्शन हुआ, तो अच्छा था। अब ये है कि हमें ज्यादा पता नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में, कि सिंध तो हमें पता है, सिंध है, स्टेट है, और गुजरात के साथ जो है सिंध है और सिंधी लोग होते हैं। और मगर हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली में भी कई सिंधी लोग थे, और मगर मुझे नहीं पता कि सिंधी लोग अपने देश की मांग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था, पता चला है। और वहाँ पे अभी वही है कि बहुत ही छोटा क्लिप था जिसको रिपीट किया हुआ था, वही स्कूटर की आवाज़ आ रही थी बार बार, तो पता चल रहा था कि एक ही क्लिप है। और तो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, आप बताइए कि सिंध में क्या चल रहा है और वहाँ पे क्यों मांग हो रही है। अब एक बात तो ऑब्वियस होती है कि किसी भी कंट्री में जब इकॉनमी नीचे चली जाती है, जब लोगों को नज़र आता है कि गरीबी बढ़ रही है, जब उनको नज़र आता है कि उनका जो लीडर्स हैं वो ढंग का काम नहीं कर रहे, और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें एक ही थीम आ रही है बार बार। वो थीम यही है कि वहाँ पे जब से मिस्टर इमरान खान बने हैं, लोगों को लगा है कि इकॉनमी डूब रही है। अब हो सकता है उसका रीज़न कोरोना वायरस भी हो, मगर फिर भी इकॉनमी, उनको लग रहा है कि 2 साल के अंदर इकॉनमी डूब रही है, महंगाई बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही। उसके ऊपर से जो न्यूज़ आई थी वो पीआईए के फेक पासपोर्ट लगे, पीआईए का प्लेन इंपाउंड हो गया, फिर बोल रहे हैं कि पासपोर्ट के लेवल कम हो गया है, और बहुत सारे वर्ल्ड इंडेक्सेस में पाकिस्तान नीचे चला गया। अब और क्रिटिसिज्म ये आता है कि बांग्लादेश कितना ऊपर चला गया कंपेयर टू पाकिस्तान, वहाँ पे उनको धक्का लगता है कि एक समय था जब ये लोग कहते थे कि, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप वीडियोस देखिए जिसमें रिटर्न भी है कि जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, पाकिस्तान था ईस्ट और वेस्ट, तब जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को बोलते थे कि ये लोग क्या छुटकी हाइट के काले लोग हैं, ये क्या अचीव कर लेंगे, हम मेन हैं और हम कंट्रोल करेंगे इनको, राइट। और फिर जब पार्टीशन हुआ है 1971 में,
राइट 1971 में पार्टीशन हुए, और आज देखिए तो बांग्लादेश ने ही हरा दिया है पाकिस्तान को, राइट इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई ये लोग काले हैं छोटे हैं, वो काले छोटे लोगों ने ही तुम्हें पीछे छोड़ दिया, इतना पीछे छोड़ दिया कि बांग्लादेश अब बहुत ऊपर, जीडीपी ज़्यादा, छोटा देश, ज़्यादा जीडीपी और ज़्यादा प्रोग्रेस कंपेयर टू पाकिस्तान। तो उनको काफ़ी मतलब उनकी अपनी कंट्री में क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपने कई वीडियोज़ किए हैं इसी के बारे में जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, मोस्टली वो लोग हैप्पी नहीं है अपनी गवर्नमेंट से, और स्पेशली सबको पता है कि उनकी गवर्नमेंट के पीछे मिलिट्री का हाथ है, और उससे पहले काफ़ी अनस्टेबल रह चुकी है गवर्नमेंट, जहाँ पे मिलिट्री कू हुए थे, असैसिनेशंस भी हो चुके हैं, तो काफ़ी, और अभी जो है आपने रिलीजियस टॉलरेंस में भी देखे थे प्रॉब्लम जो गुरुद्वारों में हुई थी, और जो मंदिरों में, जो मंदिरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बनाइए, फिर तोड़ दिया है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे, और स्पेशली जब आप किसी पाकिस्तान के लोगों की हमने इंटरव्यूज दिखाई थी, उसमें वो बार बार यही कह रहे थे कि इंडिया तो है बहुत आगे निकल चुका है, सॉफ्टवेयर में आगे निकल चुका है हमसे, उनकी आबादी इंडिया की मतलब 5 टाइम ज़्यादा आबादी है, फिर भी उनका स्टैंडर्ड लिविंग ऊपर जा रहा है, कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है, यूएसए का दोस्त बन गया, क्वाड है, मतलब जितनी बातें हैं वहाँ के लोगों को अब नज़र आ रहा है कि हम नीचे डूब रहे हैं और इंडिया जो है ऊपर जा रहा है, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे पाकिस्तान अगर वाकई मतलब मैं तो न्यूज़ पे बेसिस कर रहा हूँ, मैंने हर तरीके की न्यूज़ तो देखी नहीं है, मगर जैसे जैसे अगर कोई भी कंट्री नीचे जाएगी तो चाइना बहुत आसानी से उनको कंट्रोल कर पाएगा। न्यूज़ पहले ये भी थी कि उन्होंने अपने कोई 2 आइलैंड्स बेच दिए हैं और पोर्ट्स भी लीज पे कर दिए हैं, तो मतलब जैसे जैसे कोई भी कंट्री डूबेगी और चाइना ज़्यादा कब्जा करेगा तो इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आपके आप एक तो नॉर्दर्न साइड पे चाइना से लड़ रहे हैं और एक वेस्टर्न साइड पे चाइना से लड़ रहे हैं, वही बात आ जाएगी, कोई चाइना ने अगर उनको कंट्रोल कर लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इंडिया या कोई भी कंट्री चाहती है कि उनका नेबर जो है अच्छा हो, प्रोग्रेस करे, जिससे अपना स्टेबल हो और ट्रेड बढ़े, बगैर ऐसा लग नहीं रहा ये हो रहा है, और इसमें ये से लग रहा है कि एक बलूचिस्तान का इशू ओपन है, काफ़ी टाइम से कहा जाता है कि बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमें अपना देश दो, यहाँ पे सिंध बोल रहा है, और ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब इकॉनमी नीचे जाती है, जब लोग परेशान होते हैं, लोग दुखी होते हैं कि हम पूरे टैक्स दे रहे हैं, देखिए आपने टैक्स मांगा हम तो टैक्स दे रहे हैं मगर टैक्स के बदले हमें क्या मिला। और एक और हमने वीडियो किया जिसमें लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद की बात कर रहे थे शायद, कह रहे थे कि वहाँ पे आपको साफ पानी भी घर में नहीं आता, आपको खुद फिल्टर्ड वाटर रखना पड़ता है, तो और नेचुरल गैस नहीं आती, मतलब गैस सिलेंडर लेके रखे हुए हैं, हाँ तो मतलब वो यही बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा हो चुका है कि लोग परेशान हैं बिल्कुल, और महंगाई भी बहुत हो गई है, हर चीज जो है 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। पर मैं ये सोच रही थी इस वीडियो में जब हस्बैंड बात कर रहे थे, ये हालत होनी थी क्योंकि बहुत टाइम से जब से हम छोटे हैं हम यही सुन रहे थे कि पाकिस्तान जो है बस मिलिट्री के ऊपर फोकस कर रहा है, जी ये एक्वायर कर रहा है वो कर रहा है, विद वन एम कि इंडिया के अगेंस्ट हमने करना है, वो बचपन से हम सुन रहे हैं कि ये हो गया वो कर रहा है ये कर दिया। तो जो कंट्री अपना फोकस सिर्फ लड़ाई पे लगा के करेगी तो इवेंचुअली एक टाइम तो आएगा ना जब वो जो आपने गलत गलत डिसीजन लिए हुए हैं वो आपकी कंट्री को कैचअप करेंगे और आपको दिखेगा कि आप तो बिल्कुल बर्बाद हो रहे हो। तो वो अब मुझे लग रहा है कि अब वो कैचअप हो रहा है, पहले तो वो ये कर रहे थे ये सब, अब इस टाइम पे वो कैचअप हो रहा है और अब दिख रहा है कि इकोनॉमी कितनी डाउन जा रही है, हर चीज की बुरी हालत है, रेलवेज की हर चीज की, और पब्लिक जो है बहुत परेशान है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो आपने इतने सालों से कर रहे थे गलत चीजें वो अब आपको, वो अभी हमने एक वीडियो किया था ना इंस्टेंट रिग्रेट, तो ये इंस्टेंट रिग्रेट नहीं पर इवेंचुअली जो भी गलत करोगे वो कैचअप तो करेगा ही ना, तो वो ये वीडियो दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स काफी आई ओपनिंग वीडियो था, तो देखते हैं अब आगे क्या न्यूज है, और आपको अगर कुछ पता है तो जरूर शेयर करना। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।